बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप सबके लिए भी दुआ करती हूँ कि आप भी ठीक ठाक हो अपने अपने घरों में। और आज आपके लिए लेकर आई हूँ बड़ी मज़े की चटपटी सी और यमी सी रेसिपी, और इस रेसिपी का नाम है जी चिकन वेजिटेबल पास्ता। आपने ज़ाहिर टाइटल से भी पढ़ लिया होगा, लेकिन मैं आपको बता दूँ बहुत मज़े की बनती है। मेरे चैनल पर मैंने वाइट सॉस पास्ता भी बनाया हुआ है, लेकिन आज हम बनाएंगे चिकन वेजिटेबल पास्ता। ये मैक्रोनी है जी, एल्बो मैक्रोनी के नाम से आप जानते होंगे, या शायद मेरे जैसे लोग इसको एल्बो कहते हैं, तो मुझे नाम इसका नहीं पता। खैर, इसको मैक्रोनी ही कहते हैं, जो बाकी मुझे तो ज़्यादा नहीं पता। तो खैर, ये है जी पास्ता मैक्रोनी या मैक्रोनी पास्ता जो भी। और इसके बाद जी इसको हमने करना है सबसे पहले बॉयल। तो बॉयल करने के लिए मैंने पानी गर्म होने के लिए रख दिया है। और ये सब्जियों की कटिंग आपको दिखा रही हूँ, ये गाजर शिमला मिर्च अपनी मर्ज़ी से काट लें, जो आपको स्टाइल पसंद हो, जूलियन कटिंग, शॉर्ट कटिंग, मोटी छोटी, जो भी आपका दिल करे। और ये देखिए जी, पानी जो है वो अभी थोड़ा थोड़ा सा गर्म हुआ है, लेकिन अभी जब ये देखिए इसमें बबल्स आने लग गए हैं, तो इसमें मैंने जो है वो 1 से 2 चम्मच जो है वो ऑयल के डाल दिए अंदाजन, मतलब इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे मैक्रोनी। और ये होगी जी 5 से 7 मिनट में अच्छे से बॉयल, और इसको आप चम्मच से हिलाते रहें, और उसके बाद चेक कर लीजिएगा एक जो है कि अगर गल गई है तो फिर निकाल लेना। और उससे पहले इसमें मैंने नमक ऐड किया है, कि नमक इसमें ऐड करना ज़रूरी है, जिस तरह हम चावल बॉयल करते हुए, आलू बॉयल करते हुए, या कोई भी चीज़ें बॉयल करते हुए नमक ऐड करते हैं, तो यहाँ पर नमक ऐड कर देने से थोड़ा सा इसमें नमक का टेस्ट जो है वो पहले से ऑब्ज़र्व हो जाता है। और यहाँ पे इसको मैंने 1 से 2 बार हला लिया है, चेक कर लिया कि नीचे तो नहीं लग रही है, मतलब ये बाज़ बर्तनों के साथ ना स्टिकी सी चिपक जाती हैं। और जब ये तैयार होगी तो इस तरह इसको छान लेना है, और उसके बाद इस पर थोड़ा सा ठंडा पानी डाल देना है, और फिर इनको शिफ्ट करेंगे हम एक बॉल में, और उसके बाद उसमें थोड़ा सा फिर ऑयल डालेंगे। ये देखिए जी, मैंने इसको एक बॉल में शिफ्ट किया, उसके बाद इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा दिया, और ताकि ये आपस में चिपके ना, और ये चिपकी हुई जो है ना वो फिर शक्ल इनकी ख़राब हो जाती है। और बाकी प्रोसीजर जो है वो इसमें पकाने की तरफ अब हम आ गए हैं। तो पहले पैन में ऑयल लेना है 2 से 3 चम्मच, और उसमें हमने सबसे पहले ऐड किया है सिर्फ गार्लिक। इसमें मैंने जिंजर नहीं ऐड किया, ये सिर्फ गार्लिक है, इसको बारीक से चॉप किया हुआ है। और इसके बाद इसको करना है थोड़ा सा लाइट ब्राउन, जब बहुत अच्छी ये खुशबू देने लग जाए ना, फिर हमने इसमें ऐड करना है चिकन। और चिकन की कटिंग भी आपकी चॉइस है, मतलब कुछ जूलियन कटिंग करते हैं, कुछ इसको अपनी मर्ज़ी से शॉर्ट में, या कुछ कीमा टाइप, तो वो जैसा आपका दिल करे। तो इसमें आप अपनी चॉइस से जो है वो कुछ ना कुछ वेरिएशन कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। तो मैं यहाँ पर जो है वो बोनलेस चिकन लिया है, उसको खुद ही मैंने जिस तरह का मुझे समझ आया मैंने काट लिया है, तो क्योंकि मेरे पास समझ लें कि कोई ख़ास ना हेल्पर नहीं होता कि मैं ये करूं और वो करूं और मुझे कोई हेल्प मिल जाए, तो मुझे जो दिल करता है मैं वैसे कर लेती हूं। और चिकन को फ्राई कर लेने के बाद इसमें हम डालेंगे सिर्फ अभी 3 स्पाइस, नमक, काली मिर्च और चिली फ्लिक्स। तो चिली फ्लिक्स इसमें ऑप्शनल, अगर आपको अच्छी लगती हो तो आप ऐड कर सकते हैं, एक तो थोड़ा सा टेस्ट इसमें आ जाएगा, दूसरा ये कि इसका जो एक स्पेशल अरोमा और खुशबू है ना वो बहुत अच्छी लगेगी इसमें। और इसके बाद हम ऐड कर रहे हैं इसमें शिमला मिर्च और गाजर, इनको हम करेंगे थोड़ा सा फ्राई, ताकि जो है इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और ये सब्ज़ियाँ जो है वो ज़रा जल्दी पक जाएंगी। और मटर जो है वो बॉयल मैंने करने रखे हुए थे, आपको दिखाती हूँ, मटर अभी तकरीबन हो चुके हैं, बस अभी उनको मैं निकालने वाली हूँ, दूसरे चूल्हे पर साथ साथ रखे हुए थे पहले से बॉयल होने के लिए, ये तकरीबन हो चुके हैं, बस इनको भी हम निकाल कर तो ऐड कर देते हैं इसी में। और फिर इसके बाद थोड़ा सा काम रह गया है, ये बहुत जल्दी पक जाती हैं, बस थोड़े से ये जो चीज़ें वगैरह तैयार करना है ना, ये थोड़ा सा लेंथी प्रोजेक्ट है, अदरवाइज़ बाकी तो बहुत तेज़ी से ये तैयार हो जाता है। बस मटर ऐड करके उसको मिक्सअप किया, उसके बाद इसमें ये है जी चिली गार्लिक सॉस, और इसके साथ है जी मायोनीज़। ये आपकी चॉइस है, आप इसमें ऐड करना चाहें ना करना चाहें, क्रीम डालना चाहें, या जो भी आपकी चॉइस। खैर, मैंने इसमें जो है वो मायोनीज़ और चिली सॉस इसको मैंने ऐड किया है, ये तकरीबन 2 से 3 चम्मच तक हैं। और पहले जो है वो
इसमें हम ऐड करेंगे मैक्रोनी। और ये देखिए कि ये कितनी शाइनी सी चमकदार सी लुक दे रही है ना, ये बिल्कुल भी नहीं चिपकी थी, सिर्फ बॉल में से जब निकाला है तो वो बॉल की शेप में थी, अदरवाइज़ ये बिल्कुल भी नहीं चिपकी और बहुत अच्छी देखिए शाइनिंग लुक दे रही है। और इसके बाद इसमें ऐड कर दिया था मैंने जो आपको दिखा रही थी मैं गार्लिक सॉस, चिली गार्लिक सॉस है, और वो समझ लें कैचअप अलग से मुझे नहीं मिला था तो वो फिर चिली गार्लिक सॉस ही मिली, अदरवाइज इसमें कैचअप भी आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम ऐड कर रहे हैं इसमें चिली गार्लिक सॉस और मायोनीज़। मायोनीज़ भी मैंने थोड़ी कम इसमें ऐड की है, बाकी थोड़ी जो है ऐड करनी है वो मैं जब गार्निश करूँगी ना तो डिश आउट में इसमें जो है वो गार्निश के लिए लगा दूँगी। तो वैसे मैंने थोड़ी ज़्यादा डालनी थी यहाँ पर, इसलिए मैंने कम डाली कि फिर मुझे बाद में ऐड करनी है। तो बस इनको अच्छे से मिक्सअप कर लेंगे, और जो ये केचप नहीं मिला था ना इसकी वजह से जो गार्लिक सॉस है इसमें भी थोड़ा सा चिली का फ्लेवर है, तो ये बड़ा स्पाइसी और मज़े का बना था। खैर मैंने खाकर टेस्ट किया था तो आपको भी बता रही हूँ कि अगर आप इसमें चिली गार्लिक सॉस डालें तो पहले जो आपने स्पाइसिस में ऐड करने हैं उनकी फिर थोड़ी सी जो है ना वो ध्यान से हिसाब किताब लगा लें, ये ना कि मेरी तरह थोड़ा सा फिर तेज़ हो जाए स्पाइस और बच्चे फिर खाने में से जो है वो इनकार कर दें। तो इन सब को मिक्सअप करने के बाद एक मिनट के लिए बस मैंने इसको थोड़ा सा जो क्या कहते हैं दम लगा दिया था कि ज़रा सब्ज़ियाँ अच्छे से गल जाएं, और इसके बाद हम इनको करें जी डिश आउट। और ये देखें जी बड़ी मज़े की शाइनी शाइनी लुक और वेजिटेबल्स, और ये देखें जी वेजिटेबल के कलर्स भी बहुत ही ज़बरदस्त। इसमें देखिए बहुत कम स्पाइस ऐड किए हैं, मतलब कोई और जैसे है कि सोया सॉस और ये सॉस और वो सॉस इस तरह की चीज़ें बहुत कम है, तो ये बिल्कुल ही नॉर्मल से घर के स्पाइस से ही रेडी हो गया मज़ेदार सा चिकन वेजिटेबल पास्ता। तो ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा और बड़ा मज़े का आपको लगेगा जी। और यहाँ पर ये देखिए जी इसकी फाइनल लुक, और ये मैं टेस्ट करने लगी थी तो लेफ्ट हैंड से अब खा के दिखाती हूँ आपको। तो जी ये बहुत मज़े का बना है यम्मी, तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।